नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। हर बार हम आपको अपने खास प्रोग्राम डॉक्टर स्पेशल में आपको आपकी बीमारी से जुड़ी हर जानकारी एक स्पेशल डॉक्टर के द्वारा मुहैया कराते हैं। लेकिन आज का ये शो कुछ नए अंदाज में होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एक डॉक्टर की सलाह से आप अपने घर बैठे कैसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। मेरे हर सवाल से आपके स्वास्थ्य से जुड़े हर जवाब मिलेंगे, वो भी आपकी बीमारी से जुड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर से। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डॉक्टर प्रशांत पांडे से, जो कि एडिशनल डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन एंड मेडिसिन है। देखिए, ब्लड बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है जी। ये केवल ऑक्सीजन कैरी नहीं करता है कि आपके सांस के नलियों से जो ऑक्सीजन जा रहा है वो केवल आपके सेल्स तक पहुंचाने काम नहीं है। ब्लड के ढेर सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ब्लड में प्लाज्मा होता है, ब्लड में प्लेटलेट्स होता है, ब्लड में वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो फाइट करते हैं इन्फेक्शन से। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, इन सबसे फाइट करने के लिए ब्लड में बिल्कुल डेफिनेट उनके पार्टिकल्स होते हैं जो इनसे फाइट करते हैं। इसके अलावा हीमोग्लोबिन को मेंटेन रखने के लिए रेड सेल्स होता है। तो इन रेड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन है जो बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग का काम करता है। प्लेटलेट्स हैं जो ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है। इसके अंदर कोआगुलेशन फैक्टर्स होते हैं, जैसे प्लाज्मा हो गया। ब्लड के अंदर प्लाज्मा जो है 60% पार्ट है। इसमें कोआगुलेशन फैक्टर्स होते हैं जो स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग को रोकते हैं जी। जैसे आपने सुना होगा कि लीवर के पेशेंट्स होते हैं, अगर लीवर फेलियर हो गया तो उनको ब्लीडिंग होती है, तो इनको प्रिवेंट करने के लिए प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज किया जाता है जी। तो बेसिकली ब्लड में ब्लड बैंक स्टार्ट ही डोनर से होता है जी। अगर डोनर नहीं है तो ब्लड बैंक नहीं है। डोनर हमारे लिए अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में, अगर वेस्टर्न वर्ल्ड को देखा जाए तो 100% वॉलेंट्री रिपीट डोनेशन है। मतलब अगर मैं वॉलेंट्री डोनर हूँ तो मैं केवल एक बार नहीं आऊँगा, मैं कई बार आऊँगा ब्लड देने के लिए, हर 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने पे जी। या मैं अपने हर बर्थडे पे आऊँ, अपनी बेटी के बर्थडे पे आऊँ, या अपनी मैरिज एनिवर्सरी पे आऊँ, मैं कोई डेफिनेट डेट चूज कर लूँगा, उस पर ब्लड दिया करूँगा। इसको बोला जाता है रिपीट वॉलेंट्री डोनर। रिपीट वॉलेंट्री डोनर होने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो ब्लड से आपको पता है इन्फेक्शन फैलते हैं, HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और भी कई बीमारियाँ। अगर आप इनको ध्यान से देखें, जो रिपीट वॉलेंट्री डोनर है, पूरी दुनिया में लिटरेचर स्टडी करके आप देखेंगी तो आपको ये मिलेगा कि जो रिपीट वॉलेंट्री डोनर होते हैं उनके ब्लड से ये डिजीज ट्रांसमिट होने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 0 होती है। लेकिन कोई फैमिली मेंबर या रिप्लेसमेंट डोनर आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी हायर होगी। तो ये पूरा प्रोसेस सिलेक्शन ऑफ डोनर का है, डोनर की अवेलेबिलिटी का है, सिलेक्शन ऑफ डोनर्स का है, उसके बाद इनके ब्लड कॉम्पोनेंट प्रिपेयर करके पेशेंट्स को देना है। अब डोनर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? डोनर तो होल ब्लड देकर के हमें जाएगा जी। इस होल ब्लड को हम 3 डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। जो मॉडर्न मेथोडोलॉजी है उसमें क्या है, 3 कॉम्पोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। हम डिवाइड करेंगे रेड सेल जो रेड कलर का होता है, हम डिवाइड करेंगे प्लेटलेट्स जो येलो कलर का होता है, और उसका देन 200 ml के आसपास प्लाज्मा उसमें होता है। तो जो मरीज 350 से 450 ml ब्लड देता है उससे 3 अलग अलग कॉम्पोनेंट्स बन जाते हैं जी। अब थैलेसीमिया का पेशेंट है, थैलेसीमिया के पेशेंट को रिक्वायरमेंट क्या होती है, हीमोग्लोबिन हमेशा मेंटेन रखने की 9 से 10 के बीच में जी। इनका 9 से 10 के बीच में हमें हीमोग्लोबिन मेंटेन रखना है। अगर आप नहीं रख पाएंगे तो उस पेशेंट का सर्वाइवल नहीं है। तो इनको लंबे समय तक सर्वाइव रखने के लिए थैलेसीमिया पेशेंट्स को ये ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट होते हैं, मतलब उनका सर्वाइवल ही ट्रांसफ्यूजन पे है। हर 10 साल का बच्चा अगर थैलेसीमिया का है तो इसको हर 14वें दिन में या 21वें दिन में उसको 2 यूनिट ब्लड का ट्रांसफ्यूजन मिलना चाहिए। जब मिलेगा तभी सर्वाइव करेगा, नहीं तो नहीं सर्वाइव करेगा। तो ये कॉम्पोनेंट हमने उस डोनर से अलग कर दिया। हमने क्या अलग किया, प्लेटलेट अलग किया। कोई आपके हॉस्पिटल में 20,000 प्लेटलेट काउंट पे डेंगू का पेशेंट आपने सुना होगा, डेंगू को प्लेटलेट की ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। इन पेशेंट्स को अगर प्लेटलेट्स नहीं मिलेगा तो वो ब्लीड करेंगे। वो ब्लीडिंग कहाँ हो सकती है, पेट में ब्लीडिंग हो सकती है, ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है, जो जानलेवा हो सकते हैं जी। तो ये प्लेटलेट्स देते हैं, इन प्लेटलेट्स को हम उन पेशेंट्स के लिए रखेंगे। लीवर फेलियर का पेशेंट है, कोआगुलेशन फैक्टर की डिफिशियंसी है, लीवर ट्रांसप्लांट पे जाने के पहले उसको ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, तो वहां पर वो प्लाज्मा देगा। तो आप देखिए, एक डोनर जिससे हमने जर्नी स्टार्ट की है उसने कितने लोगों की जान बचाई, 3 लोगों की जान बचाई। तो डोनर का रोल अगर देखा जाए तो एक हॉस्पिटल का सर्वाइवल, हम मैं केवल ब्लड बैंक नहीं बोलूंगा, एक हॉस्पिटल का सर्वाइवल एक डोनर पे है। ये डोनर वॉलेंट्री होना चाहिए और इसके हम 3 कॉम्पोनेंट सेपरेट करके 3 अलग पेशेंट्स को देंगे, तभी बोलेंगे ये स्पेसिफिक थेरेपी है। जिसको जो रिक्वायरमेंट है वही देंगे। हम होल ब्लड कलेक्ट किया, होल ब्लड पेशेंट को दे दिए,
ये मॉडर्न मेथड ऑफ ब्लड बैंकिंग नहीं है जी। तो होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो अब पूरी दुनिया में नहीं है। अभी उनके तीनों कॉम्पोनेंट्स अलग किए जाते हैं और पेशेंट्स को दिए जाते हैं जिनकी जो जिसकी जो जो जरूरत है तो ये ब्लड बैंक है। इन शॉर्ट ये ब्लड बैंक है जी, बिल्कुल। और ये बहुत जरूरी हो जाता है, ये अहम बहुत अहम हो जाता है ये जानना कि आपका ब्लड जो डोनेट आपने किया है वो कितना जरूरी है। आपसे डॉक्टर यही मैं जानना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि आप खुद भी अपील करें कि लोगों को कि आप डोनेट कीजिए और उससे आपको क्या बेनिफिट है, क्योंकि अगर आप एक यूनिट ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो जैसा आप हम अभी हम डिस्कशन कर रहे थे तब आपने बताया था कि आपके अंदर नए सेल्स डेवलप होते हैं आपकी बॉडी के लिए, वो और बेनिफिशियल हो जाता है। तो किस तरीके से होता है मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को जानने की बहुत जरूरत है, और आप भी उनसे अपील कीजिए कि डोनेट कीजिए क्योंकि इससे आपका भी बेनिफिट है। मैं भारती जी आपसे ये कहना चाहूंगा कि ब्लड डोनेशन जब भी हो रिपीट वॉलंटरी डोनर से हो जी। ब्लड बैंक में आकर के ब्लड देने से आप तीन लोगों की जान बचा रहे हैं, इससे बड़ा बेनिफिट कुछ नहीं हो सकता एक डोनर के लिए। मैं एज ए डोनर, मैं एज ए ब्लड बैंकर, एज ए डोनर मैं कितनी बार ब्लड दे चुका हूं मुझे याद नहीं है जी। लेकिन जितनी बार हम देते हैं हम ये मानते हैं कि हम किसी की जान बचा रहे हैं। तो वॉलंटरी ब्लड डोनर बनने और रिपीट वॉलंटरी ब्लड डोनर बनने का फायदा एटलीस्ट इस कंट्री में ये है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट जितनी भी ब्लड की है हम केवल 60% उसकी पूर्ति कर पाते हैं, 40% की अभी भी डेफिशिएंसी है। वॉलंटरी ब्लड डोनर्स बनने का फायदा पेशेंट को है और आपको क्या है, आपको सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपने कहीं भी जाकर ये कहना है हमने तीन लोगों की जान बचाई है, हमने तीन लोगों की जान बचाई है। उसके अलावा ये भी कहा जाता है, दुनिया भर में स्टडीज आ गई हैं कि ऑलमोस्ट 650 कैलोरी ब्लड का ब्लड देने से ऊर्जा का लॉस होता है, तो अगर थिनर बनना है स्लिमी बनना है तो इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ब्लड डोनेशन आप करते रहें जी। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर जो कि मैंने डॉक्टर गौरव राठौर से किया जो कि एडिशनल डायरेक्टर ट्रॉमा ऑर्थोपेडिक्स हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट कैसे होता है और इसमें कितना एक्सपेंस लगता है? जॉइंट रिप्लेसमेंट जो ऑपरेशन है ये जिसको हम कहते हैं एंड स्टेज आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट है, इट्स नॉट द ट्रीटमेंट फॉर हर प्रकार के आर्थराइटिस में और हर स्टेज में नहीं करते हैं। जब हम हमारे और जो मेजर्स होते हैं आर्थराइटिस के एंड वी कैन डिस्कस दैट, जब वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं और किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा बाधाएं आने लगती हैं जीवन शैली के अंदर, क्योंकि उनके घुटने दर्द हो रहे हैं या कूल्हे दर्द हो रहे हैं जहाँ पे भी उनको आर्थराइटिस है, कि वो अपनी डे टू डे एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं जो अपने रोज़मर्रा का काम है उसमें भी उनको बाधाएँ आती हैं, तब हम उनको जनरली रिप्लेसमेंट सर्जरी ऑफर करते हैं। रिप्लेसमेंट सर्जरी कितनी कॉमन है? वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सर्जरी पूरी दुनिया के अंदर। आज अगर हम देखें तो कैटरैक्ट इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली परफॉर्म सर्जरी, एंड सेकंड आई थिंक वुड बी जॉइंट रिप्लेसमेंट्स। उसमें भी घुटने के रिप्लेसमेंट्स सबसे ज़्यादा कॉमन है, उसके बाद प्रॉब्ली कूल्हे का जो रिप्लेसमेंट हम करते हैं। तो ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, कॉमन इसलिए भी है एक क्योंकि आर्थराइटिस बढ़ रहा है सोसाइटी के अंदर, उसके कई कारण हैं। दूसरी चीज़ इसलिए है कि आर्थराइटिस जो है अब हमारी पॉपुलेशन भी एजिंग हो रही है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी हमारी कंट्री के अंदर 37 या 39 ईयर्स थी, आज 65-70 के आसपास हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहुंच रही है। बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में 80 को क्रॉस कर चुकी है, जापान में तो 87 के आसपास पहुंच रही है। तो पूरी दुनिया के अंदर लोगों की सेहत बढ़ रही है, जीवित ज़्यादा रह रहे हैं, तो ठीक है जब एक एज क्रॉस कर लेते हैं तो कुछ एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं और आर्थराइटिस इज़ वन ऑफ देम। और जहाँ तक आपने कॉस्ट की बात पूछी तो हाँ, एक ज़माने के अंदर जॉइंट रिप्लेसमेंट वॉज ए वेरी एक्सपेंसिव सर्जरी। एक अपनी लाइफ इंसिडेंट बताता हूँ, एक हमारे ब्रदर इन लॉ थे हमारे जीजा जी, उनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस नामक बीमारी थी और 1991 में उनका ऑपरेशन हुआ था रिप्लेसमेंट का। तब बहुत कम जगह होता था, उन्होंने बॉम्बे में जाकर करवाया था वो, और तब हमें बताया जाता था कि भैया देखिए 4-5 लाख का खर्चा हुआ है उनका ऑपरेशन करवाने में। अब वही रिप्लेसमेंट आप सोचिए आज ऑलमोस्ट 30 ईयर्स हो गए हैं, नाउ द कॉस्ट ऑफ सर्जरी इज गॉन लेस, अब 4-5 लाख से कम हो गई है, बड़ी नहीं है, कम हुई है। अब उसे कई कारण है, एक तो कई जगह हो रही है, इट इज़ नॉट अ जिसे हम कहते हैं इजोटेरिक सर्जरी या एक्सक्लूसिव सर्जरी, अ लॉट ऑफ वेरी गुड ट्रेंड ऑर्थोपेडिक सर्जन्स आर डूइंग दिस सर्जरी इन अ वेरी सक्सेसफुल वे, बहुत सक्सेसफुली कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि हमारी गवर्नमेंट ने भी एक अच्छा स्टेप उठाया है कि इसको रिकॉग्नाइज किया है कि एक बहुत एसेंशियल सर्जरी है समाज के लिए, तो जो जॉइंट रिप्लेसमेंट की कॉस्ट होती है उसको, जो इम्प्लांट की कॉस्ट होती है उसको गवर्नमेंट ने कैप किया है कि एक सर्टेन लिमिट तक ही उसको जो इम्प्लांट कंपनीज हैं उसको मार्केट कर सकती हैं। तो वो एक बहुत पॉजिटिव स्टेप रहा है इसकी प्राइस को कंट्रोल करने में और ये सर्जरी आम जनता तक पहुंचाने के लिए। तो मतलब अब ऐसा है कि पहले बहुत जो रिच लोग होते थे, अफोर्डेबल होते थे, वही सोचते थे रिप्लेसमेंट के लिए। अब हमारे पास बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी आती है जो रूरल है, जो उतने उनके फाइनेंशियल मींस नहीं है,
और वो भी उसके बारे में सोचते हैं, और क्यों नहीं, क्योंकि मतलब अच्छा दर्द मुक्त जीवन सबका हक है, सबका हक है, बिल्कुल। चलिए अब सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट से बात कर लेते हैं, जो कि हैं डॉक्टर अमित श्रीवास्तव। ब्रेन स्ट्रोक को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है? इसको जो है, जिसको कहते हैं कि पोस्ट स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन। तो देखिए, पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो तो ये है कि आप जो है स्ट्रोक को प्रिवेंट करें, जैसे हमने यू नो एज वी वेंट एज पर दी यू नो डिस्कशन, पहली चीज तो स्ट्रोक ना हो, सबसे अच्छी बात, तो उसके लिए आप प्रिवेंशन करिए। दूसरी चीज कि ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे आपको स्ट्रोक हो तो आप अपने नियरेस्ट, जिसको स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल कहते हैं, उसमें ज़रूर जाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर समय जो है, हम लोग कहते हैं टाइम इज़ ब्रेन, मतलब जितना समय जल्दी आप अस्पताल पहुंचेंगे उतनी जल्दी, और जितनी जल्दी आपका इलाज शुरू होगा तो वो उतनी जल्दी आपको स्ट्रोक के जो पोस्ट स्ट्रोक इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, जिसको पोस्ट स्ट्रोक सीक्वली बोलते हैं, कि जो आपको बीमारी रह जाएगी वो उतनी ही कम होगी। अब इसमें एक चीज़ जो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये बहुत ज़रूरी है जानना कि स्ट्रोक को अर्ली आइडेंटिफाई कैसे करें, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट छोटे वो हैं जिससे हम इसको आइडेंटिफाई करें। तो इसका एक छोटा निमोनिक है जिसको कहते हैं बी फास्ट। तो वेर बी स्टैंड्स फॉर बैलेंस प्रॉब्लम। तो यदि मान लीजिए अचानक चलते चलते आपको बैलेंस की दिक्कत हो जाए, ठीक है, ई मीन्स आई, तो आई से संबंधित, जैसे या तो आपको अचानक से दिखना कम हो गया या देखने में भेंगापन आ गया, टेढ़ापन आ गया, तो ये चीज़ एक ये सिम्टम आ गया बी ई। उसके बाद बी फास्ट, तो एफ इज़ फेशियल ड्रूपिंग, चेहरा आपका लटक गया एक तरीके से, है ना, तो उसको एक वो एक सिम्टम है स्ट्रोक का। फिर फास्ट में ए इज़ आर्म ड्रिफ्ट, जैसे आप अपना हाथ ऐसा करें और आपको लगे कि हाथ आपका जो है वो नीचे चला जा रहा है, हाथ में कमजोरी आ गई है आपके, तो दैट स्टैंड्स फॉर ए स्टैंड फॉर आर्म ड्रिफ्ट। एस इज स्पीच, अचानक आपको बोलने में दिक्कत आनी शुरू हो गई या आप कुछ उल्टा सीधा कन्फ्यूज गार्बल्ड स्पीच हो गया, तो ये बी फास्ट का ये निमोनिक है। और टी मीन्स टाइम, मतलब ऐसी अगर कोई भी चीज़ आपको अचानक से आपके या आपके किसी रिश्तेदार को हो तो ये हो सकता है कि स्ट्रोक के सिम्टम हो, तो ऐसी परिस्थिति में वेट नहीं करना, इमीडिएटली पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना है। हॉस्पिटल में भी प्रेफरेबली किसी ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ कम से कम सीटी स्कैन की तो व्यवस्था हो, ठीक है, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं कि इस तरह से हुआ तो वो किसी क्लिनिक पर चले जाते हैं या किसी फिजिशियन के पास चले जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो एक बहुत कीमती समय वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि इस चीज़ में समय जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, मान लो फिजिशियन के पास गए, फिजिशियन के पास एक लंबी लाइन लगी हुई है, काफ़ी पेशेंट्स बैठे हुए वहाँ पे, फिर उन्होंने जो है दो घंटे बाद देखा, फिर उनको लगा अच्छा स्ट्रोक है, फिर उन्होंने सीटी स्कैन या एमआरआई कराया, तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट समय एक बहुत निकल जाता है। तो इसलिए मेरा सुझाव ये है कि जैसे ही ये सिम्टम्स आएँ तुरंत आप एक ऐसे अस्पताल में जाएँ पहले तो, और दूसरा कि ऐसे अस्पताल में जाएँ जहाँ कम से कम सीटी स्कैन हो। अब आ गए आपके सवाल पे, तो ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीज़ें आपके पहले सवाल, यानी कि क्या ये मरीज़ अपने नॉर्मल पोस्ट स्ट्रोक आ सकता है कि नहीं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले तो अगर आपने प्रिवेंट कर लिया स्ट्रोक बहुत ही अच्छा, दूसरा अगर आपने समय पर आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ मुझे स्ट्रोक हुआ या आपके किसी को पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है, तीसरा कि आप हॉस्पिटल समय पर पहुँच गए, उस समय को भी हम कहते हैं डोर टू नीडल टाइम, जो कि नॉर्मली हमारा ये रहता है कि हम डॉक्टर्स को कहते हैं कि कोशिश ये होनी चाहिए कि डोर टू नीडल टाइम एक घंटे हो। सो मतलब पेशेंट अस्पताल पहुंचा और जो भी उसका ट्रीटमेंट करना हो, जैसे स्ट्रोक का जो ट्रीटमेंट होता है एक्यूट स्ट्रोक का, वो होता है या तो हम कुछ इंजेक्शन देते हैं जिससे कि क्लॉट को घोल सकें, या एंडोवैस्कुलर जो हमारी बात हुई थी कि वो तार के थ्रू जाके वो क्लॉट खींच लेते हैं, तो ये जो काम है ये जो भी डिसीजन हमें लेना एक घंटे में ले लें, तो उसको कहते हैं डोर टू नीडल टाइम, ठीक है, तो ये कम हो, ठीक है। तो यदि आप समय पर अस्पताल सिम्टम्स को पहचान गए, समय पर अस्पताल पहुंच गए और भगवान की दया से आपको जो है राइट ट्रीटमेंट मिल गया, तो फिर आपको जो भी डैमेज होगा, स्ट्रोक होगा, उसकी इंटेंसिटी या उसका जो आपको जो जितनी बड़ी होगी वो मिनिमम होगा। तो अगर आपको मिनिमम स्ट्रोक होगा तो आपका ऑब्वियसली आपका जो प्रोग्नोसिस है, प्रोग्नोसिस मीन्स की पोस्ट स्ट्रोक इम्प्रूवमेंट, वो भी अच्छा होगा। तो इसलिए इस चीज़ का जवाब एक्चुअली कि वो स्ट्रोक इम्प्रूवमेंट होता है कि नहीं, सब इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि स्ट्रोक कितना बड़ा
कितना भयानक हुआ है और उसका सही से इलाज उस समय पर एक्यूट स्ट्रोक के टाइम पे हुआ कि नहीं। अगर ये चीज़ें सही होती हैं तो यूजुअली प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। बट हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि मान लीजिए बड़ा स्ट्रोक है, ब्रेन के कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं जिसको कहते हैं स्ट्रैटेजिक एरियाज ऑफ द ब्रेन, वो ब्रेन में एक छोटा हिस्सा हो सकती है जैसे ब्रेन स्टेम जिसको कहते हैं, वो ब्रेन का एक छोटा हिस्सा होती है लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम उस अगर स्ट्रोक उस जगह हो जाए तो फिर डेफिसिट्स मतलब उसकी वजह से आने वाली जो कमज़ोरी है वो ज़्यादा होती है। फिर ब्रेन के बाएं हिस्से में स्ट्रोक हुआ कि दाएं हिस्से में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यदि आपके ब्रेन के बाएं हिस्से में स्ट्रोक हुआ है तो ब्रेन के बाएं हिस्से में अमूमन जितनी आपकी बात करने की क्षमता, मेमोरी, याददाश्त, ये सारी चीज़ें ब्रेन के बाएं हिस्से में होती हैं। तो अगर आपके ब्रेन के बाएं हिस्से में स्ट्रोक हुआ तो उसका जो 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 इम्प्लीकेशंस हैं, इफ़ेक्ट जो है लॉन्ग टर्म, वो भी ज़्यादा होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बट बहरहाल ये बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रोक को टाइम से आइडेंटिफाई करना और एक अस्पताल में ले जाना जहाँ कम से कम करो। हम तो एज ए मैं कहूँगा लेमैन या पेशेंट तो आप यही कर सकते हैं कि इंश्योर ये करें कि आप जल्दी से जल्दी स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल पहुँच जाएँ, ठीक है। तो बाकी प्रोग्नोसिस इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करती है। दूसरी चीज़ डेफिनेटली, अब क्या होता है लोगों को ये लगता है कि अब तो लकवा हो गया, पैरालिसिस हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, पर फिजियोथेरेपी में, न्यूरो फिजियोथेरेपी में भी धीरे धीरे नए नए आयाम आ गए हैं जिसकी वजह से खराब पेशेंट में भी बहुत कुछ अच्छी रिकवरी आ जाती है अब। पर उसमें इंपॉर्टेंट है अगेन कि स्ट्रोक का रिहैबिलिटेशन भी अर्ली से अर्ली शुरू हो जाए। ऐसा पेशेंट जिसमें रिहैबिलिटेशन लेट शुरू हुआ, मतलब पेशेंट किसी वजह से कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, मान लीजिए उसको इन्फेक्शन हो गया या कुछ हो गया, वो जो है 2-3 महीना डिले हो गया उसका फिजियोथेरेपी में, तो डिले इन फिजियोथेरेपी ऑल्सो डिपेंड्स, मतलब उसमें की वजह से भी प्रोग्नोसिस खराब हो जाती है। तो मैं यही मतलब यह है कि एक तो ट्रीटमेंट सही हो, सही समय पर हो, और रिहैबिलिटेशन अगर अर्ली शुरू हो जाए तो ज्यादातर केसेस में प्रोग्नोसिस ठीक रहता है। अगला सवाल सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजी डॉक्टर मयंक गुप्ता से। पथरी आखिर क्या होती है, कैसे ये बॉडी में आती है और इसका इलाज किस तरीके से हो सकता है? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है क्योंकि देश में क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर पथरी की समस्या ऑलमोस्ट अगर मैं नोएडा की बात करूँ तो शायद हर तीसरे या चौथे आदमी को पथरी की शिकायत होगी और छोटे बच्चे से लेके 80-85 साल के आदमी तक किसी को भी हो सकती है। सबसे पहले तो मैं लोगों को आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि पथरी कोई खाने पीने से या इन सब चीज़ों में इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। पथरी का जो विकार है वो किडनी के अंदर आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब आपका शरीर ही उसको खुद आपके लिए बना रहा है। आपके शरीर में किसी चीज़ की कमी है या शरीर की जो मेटाबॉलिज्म है वही उस किस्म का है कि वो किडनी में पथरी की डिपोजिशन को फेवर करता है। बहुत सारे लोग जो ये दावा करते हैं कि हम ये दवाई खाते हैं या ये होम्योपैथी, आयुर्वेद, एलोपैथी, किसी भी पैथी में कि हमने ये दवाई खाई तो उसके बाद से हमें पथरी दोबारा कभी नहीं बनेगी, और हर पेशेंट मुझसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछता है कि हमें कुछ ऐसी दवाई दो कि ये दोबारा ना बने। तो उन सब लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि आज तक टिल डेट ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है जो कि पथरी को दोबारा ना होने दे। ये आपके शरीर का एक विकार है जो आपके शरीर के अंदर पथरी को डेवलप करता है। वो किसी को वही पथरी 10 साल में डेवलप होती है, किसी को हर साल होती है, किसी को 50 साल में एक बार होती है। उसमें किसी दवाई या किसी स्पेशल लाइफस्टाइल का कोई बहुत इम्पॉर्टेंट रोल नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत खाने पीने का या थोड़ा बहुत लिक्विड इंटेक का जो रोल है वो मैं आपको थोड़ी देर में अगले क्वेश्चन में इसको विस्तार से समझा दूंगा। सर, सर्जरी के बारे में मैं जानना चाहूँगी कि क्या अगर किसी को स्टोन है तो क्या, या पथरी है तो क्या किसी को सिर्फ सर्जरी ही एक ऑप्शन है या फिर कोई और तरीका भी है, कोई सिंपल तरीका भी है? क्योंकि सर्जरी का नाम आप भी जानते हैं, जब एक कॉमन इंसान सुनता है तो वो पहले ही डर जाता है, तो ऐसे में क्या सिर्फ सर्जरी एकमात्र इलाज है? ऐसा नहीं है कि स्टोन का इलाज सिर्फ सर्जरी से ही होता है। जब किडनी के अंदर विकार हो गया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया, तो पथरी बननी शुरू हो जाती है। बहुत बार क्या होता है कि पथरी अगर छोटी है तो शरीर उसको अपने आप ही निकाल देता है। ऐसे बहुत पेशेंट्स होते हैं जो बार बार आके बोलते हैं कि सर मेरी पथरी निकल गई, अपने आप निकल गई, या मैं एक्स दवाई खा रहा था उससे निकल गई। एक्चुअली कोई भी दवाई किसी पथरी को नहीं निकालती है।
पथरी शरीर में बनती है और शरीर का हमारा अपना डिफेंस मैकेनिज्म है जो उसको बाहर निकालता है। अब उस केस में छोटी छोटी पथरी या कण के रूप में कंक्रीशंस के रूप में पथरी बनती रहती है और बहती रहती है, निकलती रहती है। तो उस केस में ऐसा कुछ नहीं है कि पथरी अपने आप नहीं निकल सकती। बहुत सारे लोगों की पथरी अपने आप निकल जाती है, किसी की 3 mm की भी निकल जाती है, किसी की 7-8 mm की भी निकल जाती है। वो उसकी किडनी, यूरेटर और उन सब की बनावट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर पथरी बड़ी है तो उसका दवाई से कोई इलाज नहीं है, उसको निकलवाना ही पड़ता है, जिसको आप लोग सर्जरी कहते हैं। उसके कई प्रकार हैं जिससे आप उसको निकाल सकते हैं, लेकिन दवाई से पथरी का आज तक दुनिया में कोई इलाज नहीं है। जो अगर ये कहते हैं आपको कि पथरी दवाई से हम पिघला देंगे, हम गला देंगे और उसको छोटे छोटे टुकड़े करके निकाल देंगे, वो सब आपको भ्रमित करते हैं और गलत बात बोलते हैं। मैं उस चीज़ के बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। इसलिए हम उस चीज़ को अप्रूव, हम क्या, कोई मेडिकल फैटर्निटी उसको अप्रूव नहीं करती है कि दवाई के द्वारा पथरी निकाली जा सकती है। जिन भी लोगों की पथरी निकलती है वो अपने आप ही, क्योंकि उसको निकलना है इसलिए निकल जाती है। अगला सवाल नेफ्रोलॉजी किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट से। किडनी को ठीक रखने के लिए किस तरीके का लाइफस्टाइल एक आम इंसान को फॉलो करना जरूरी है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मॉडर्न ट्रीटमेंट में ये बहुत जरूरी है कि हम बीमारियों को बढ़ने से रोकें। जी, तो 30 साल के बाद जो है आपको लाइफस्टाइल बीमारियां होने का खतरा रहता है। बिल्कुल, सबसे पहले है खानपान। जी ठीक है, तो हमारा जो मुख्य कारण है बीमारियां होने का वो है खाने में शुगर, मीठा और खाने में नमक। ये दोनों बहुत बड़े कारण हैं बीमारियां होने के, और इनका सेवन जो है कम से कम करना चाहिए, स्पेशली जब आपकी एज जब ज़्यादा हो रही हो और आपके फैमिली में हिस्ट्री हो डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की और बीमारियों की, हार्ट की बीमारियों की। तो खाने पीने का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तो बहुत ही बैलेंस खाना खाना चाहिए। नमक और मीठा बहुत कम होना चाहिए, तेल भी कम होना चाहिए, सब्जियां और फल ज़्यादा हों, और मैं एडवोकेट करता हूँ वेजिटेरियन डाइट, क्योंकि ये मेरा एज ए किडनी स्पेशलिस्ट से मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है, मांस मछली अंडे का सेवन जो है ये किडनी डिजीज़ को बढ़ाता है। तो मैं अपनी प्रैक्टिस में अपने सारे पेशेंट्स को एडवोकेट करता हूँ कि आप जो है वेजिटेरियन डाइट अडॉप्ट करें, और मैंने देखा है कि वेजिटेरियन डाइट से किडनी डिजीज़ को स्टेबलाइजेशन में हेल्प मिलती है। जी। तो इसके खाने पीने के बाद आपका रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, वेट मैनेजमेंट, वेट कंट्रोल करना, नशीली पदार्थों का सेवन ना करना, सिगरेट और स्मोकिंग ये सब अवॉइड करना चाहिए, और अगर आपको हो जाती हैं ये बीमारियाँ शुगर ब्लड प्रेशर, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसके लिए रेगुलर इंटरवल पे स्क्रीनिंग भी करवाएं। जी, जैसा आपने हिस्ट्री की बात की, क्योंकि मेरे जहन में एक बात ज़रूर आती है कि मेरे एक फ्रेंड हैं जिनकी ग्रेट ग्रैंड मॉम, मतलब उनकी जो ग्रैंड मॉम हैं वो डायबिटिक पेशेंट थी, उनकी मॉम भी हैं, उनकी सिस्टर भी हैं। तो ये जो हिस्ट्री की बात है, स्पेशली ये इस केस में, शुगर के केस में ये रहता ही है, ज़्यादातर रहता है, तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या कुछ और तरीका है? मतलब फूड डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली। जी, मैं आपको थोड़ा सा डिजीज़ इवोल्यूशन के बारे में बता देता हूँ कि डिजीज़ कैसे इवॉल्व होती है। जी, तो किसी भी डिजीज़ को इवॉल्व होने के लिए चाहिए होता है जीन्स और एक इन्वायरमेंट। तो जीन्स तो हमको खानदान में मिलते हैं, अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, और उन पे तो हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जब तक एक ख़राब जीन्स को एक बैड इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तब तक बीमारियां यूजली डेवलप नहीं होती। तो बैड इन्वायरमेंट क्या है? लाइफस्टाइल है। तो अगर आपकी फैमिली में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, किडनी डिजीज़, हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री है, तो अपने लाइफस्टाइल की तरफ देखिए, अपने किचन की तरफ देखिए कि वहाँ क्या गड़बड़ है। जी, अपने लाइफस्टाइल में देखिए। यूजली जिन परिवारों में शुगर की हिस्ट्री होती है और ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री होती है, वहाँ उन घरों में मीठा का सेवन और नमक का सेवन ज़्यादा हो रहा होता है, तो वो ज़रूर करें। और अगर आप आज ग्रसित हैं शुगर ब्लड प्रेशर से और आपकी फैमिली के अधिकतर मेंबर्स हैं, तो आप ये मानिए कि आपके आगे की जनरेशन्स में भी ये जाएगा,
तो आप आज से ही जो है अपना किचन को ठीक करिए, अपने खाने पीने को ठीक करिए, और जब आप ठीक करेंगे तो आपके बच्चे वही प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप कम नमक खाना स्टार्ट करेंगे, आप मीठे का सेवन कम करेंगे, तो आपके बच्चे वो सीखेंगे कम नमक का खाना खाना, कम मीठे का खाना खाना, और वो फिर बचेंगे इनसे। आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करिए तो आपके बच्चे भी जो है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। जैसे फैमिली वैल्यूज आप देते हैं आप या, तो ये भी लाइफस्टाइल, एक करेक्ट लाइफस्टाइल देना भी हमारी जिम्मेदारी है, खास तौर से अगर आपके परिवार में इसकी हिस्ट्री है। मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर राहुल चंदोला से, जो कि हार्ट लंग्स ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हैं। एक कोविड पेशेंट का सक्सेसफुल लंग्स ट्रांसप्लांट इन्होंने किया, कैसा रहा ये ट्रांसप्लांट और अक्सर ऐसे ट्रांसप्लांट के सक्सेस रेट क्या रहते हैं? ये जो ट्रांसप्लांट है ये बेसिकली कोविड ट्रांसप्लांट है। कोविड पेशेंट था जिसको जो है लंग फाइब्रोसिस हुई थी उसकी वजह से जी। और लंग्स की फाइब्रोसिस होने की वजह से ये पेशेंट जो है बहुत हाई फ्लो ऑक्सीजन पे रहते हैं। इस तरह के लंग्स की रिकवरी के चांसेस कम होते हैं और अल्टीमेटली समथिंग एज ड्रास्टिक एज लंग ट्रांसप्लांट इज़ नीडेड। सो इस पेशेंट को 4 महीने पहले कोविड इन्फेक्शन हुआ था, उसके बाद इसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट अप टू 15 लीटर्स हो गई, और तब हमारे पास इनका रेफरल आया कि क्या इनका लंग ट्रांसप्लांट पॉसिबल है। तो इनको फिर नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट रजिस्ट्री है, उसके साथ रजिस्ट्रेशन किया जाता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रजिस्ट्री है जो कि सारे ऑर्गन्स के डोनेशन और रेसिपिएंट के रजिस्ट्रेशन मैनेज करती है। तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया गया और उसके बाद से ये वेटिंग में इनका टाइम शुरू हो गया। फॉर्चुनेटली ऑन लास्ट सैटरडे ही गॉट डोनर, फीमेल डोनर फ्रॉम जयपुर, और ये डोनर जो हैं ये 49 इयर्स की एज थी और ब्रेन डेड पेशेंट थी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में वहाँ पे, और उनके परिजनों ने ये डिसाइड किया कि उनके ऑर्गन्स को जो है डोनेट किया जाए। और इमीडिएटली नोटो जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने सारे हॉस्पिटल्स को नोटिफाई किया, हमारी टीम को भी नोटिफाई किया गया, और हमारा रेसिपिएंट उनके डोनर से मैच कर गया। तो उसके बाद फिर यहाँ से टीम वहाँ गई, वहाँ से रिट्रीवल हुआ, ऑर्गन को लेके वापस जो है मैक्स हॉस्पिटल लाया गया और ट्रांसप्लांट हुआ। खास बात इस ट्रांसप्लांट में ये है कि कोविड लंग फाइब्रोसिस में लंग ट्रांसप्लांटेशन अभी तक दुनिया में बहुत कम जगहों पे हुए हैं। US में 2-3 ट्रांसप्लांट्स हुए हैं, चाइना में 1-2 ट्रांसप्लांट्स हुए हैं, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इस पर्टिकुलर सिचुएशन में लंग ट्रांसप्लांट में वर्ल्ड ओवर नहीं है। सो इट वाज अ चैलेंजिंग सिचुएशन आल्सो बिकॉज कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनमें जो है बहुत डेंस एडिशंस होते हैं। इस पेशेंट में भी वही था, जब हमने ओपन किया तो बहुत लंग जो है बहुत बुरी तरह से जो है चेस्ट वॉल के साथ जो है प्लास्टर्ड था, और ऐसे सिचुएशन में प्रॉब्लम यह आती है कि जब आप एडिशन सेपरेट करते हैं तो पेशेंट अनस्टेबल होने के चांसेस होते हैं, ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, और ऐसा ही इस पेशेंट में हुआ। पेशेंट काफ़ी अनस्टेबल हुआ। दूसरा जो है वहाँ पे हाइलम, जहाँ पे हम ट्रांसप्लांट करते हैं लंग की, जो हाइलम होता है जी, वहाँ की एनाटॉमी एकदम क्लियर नहीं थी, बहुत ही डिफ़िकल्ट एक एनाटॉमी थी वहाँ पे। तो हमें पेशेंट को जो है एक्मो मशीन पे डालना पड़ा। जनरली हम एक्मो मशीन पे नहीं करते हैं लंग ट्रांसप्लांट, लेकिन यहाँ पे पेशेंट अनस्टेबल हुआ तो उसको एक्मो मशीन पे डालना पड़ा, और एक्मो पे उसको मैनेज करके उसके हार्ट और उसके बॉडी में जो ब्लड है उसको इस मशीन पे लिया गया, और इस मशीन, ये मशीन बेसिकली उस ब्लड को ऑक्सीजनेट करती है और एक तरह से हार्ट और लंग्स का जो है काम करती है मशीन। तो जितने टाइम जो है हमने ट्रांसप्लांट किया उतने टाइम उस मरीज का ब्लड जो है इस एक्मो मशीन पे सर्कुलेट हो रहा था, और ट्रांसप्लांट करने के बाद पेशेंट काफ़ी समय तक जो है एक्मो पे रहा। धीरे धीरे करके हमने एक्मो से, मशीन से मरीज़ को अलग किया। अनफॉर्चुनेटली वो मशीन से अलग हो भी गया। 2 दिन के बाद पेशेंट जो है ग्रेजुअली जो है हम वेंटिलेटर से भी उसको अलग कर पाए, और अल्टीमेटली मरीज़ जो है अभी अच्छा कर रहा है। हमें उम्मीद है कि अगले जो है 2-1 हफ्ते में हम पेशेंट को जो है वार्ड तक में शिफ्ट कर पाएंगे।
सर क्योंकि वो पेशेंट बहुत फॉर्चुनेट थे और हम इंडियन जो लोग हैं वो खुद ने फॉर्चुनेट हैं कि आप जैसे डॉक्टर्स हमारे पास हैं और इतनी बड़ी सर्जरीज को इतने सक्सेसफुली हम देख पाते हैं। पर मैं ये भी जानना चाहूँगी क्योंकि आपने बहुत सारी सर्जरीज की हैं, अभी जैसे हम बात भी कर रहे थे तो आपने बताया कि साउथ इंडिया में आपने बहुत सारी सर्जरीज की हैं, तो इसमें सक्सेस रेट के क्या चांसेस होते हैं? क्योंकि एक नॉर्मल इंसान जब एक सर्जरी के बारे में सोचता है तो सर्जरी वर्ड ही अपने आप में बहुत बड़ा है, तो उसको सुनते ही लोग अक्सर डर जाते हैं। तो इस तरीके की सर्जरीज जो अपने आप में एक मिरेकल है, तो कितने सक्सेस रेट रहते हैं? जी, सो लंग ट्रांसप्लांट बेसिकली जो किया जाता है, कुछ कंडीशंस लंग की होती हैं जहाँ पे लंग ट्रांसप्लांट रिकमेंडेड होता है। इसमें जो है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ या फिर COPD या फिर कुछ पेशेंट को सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है जी। तो इस तरह की जो बीमारियाँ होती हैं या कोई भी क्रॉनिक लंग डिजीज़ जो एंड स्टेज डिजीज़ है जहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सर्वाइवल 2 साल से ज़्यादा नहीं है मरीज़ का मेडिकल ट्रीटमेंट पे, तो वहाँ पे लंग ट्रांसप्लांट का रोल आता है। और लंग ट्रांसप्लांट एक बहुत बहुत ही अच्छी मोडेलिटी है इस तरह के पेशेंट्स के लिए और आउटकम्स इसके काफ़ी अच्छे हैं। अभी जो है लेटेस्ट जो है, अब कोविड सिचुएशन आई है, एक पेंडेमिक है जो कि सामने आया है, तो इस सिचुएशन में भी लंग ट्रांसप्लांट पॉसिबल है। ऐसा जो है जैसा कि मैंने बताया बहुत कम एक्सपीरियंस है, लेकिन धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस इवॉल्व हो रहा है, तो लंग ट्रांसप्लांट एक बहुत अच्छी ऑलरेडी एस्टैब्लिश मोडेलिटी है, कोविड सिचुएशन में रिलेटिवली नई है और इसको और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है कि आगे जो है इन पेशेंट्स का आउटकम्स, लॉन्ग टर्म आउटकम्स कैसे रहते हैं। आई एम श्योर लॉन्ग टर्म आउटकम्स वैसे ही रहेंगे जैसे बाकी डिजीज़ के लिए हैं। और लंग ट्रांसप्लांट से न केवल आप सर्वाइवल इम्प्रूव करते हैं पेशेंट का, जो पेशेंट जो है एक्सपेक्टेड है कि वो 1 साल 2 साल से ज़्यादा नहीं सर्वाइव कर पाएगा, ऐसे पेशेंट को आप कई कई साल जो है ट्रांसप्लांट के बाद वो जीवित रहते हैं। और दूसरा सर्वाइवल के अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ, यू नो द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ दीज पेशेंट्स इज़ रियली मिजरेबल। जो पेशेंट्स जो लंग ट्रांसप्लांट के लिए आते हैं, जिन पेशेंट्स को ILD होता है, COPD होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, ये पेशेंट्स जो हैं बहुत सिक होते हैं जी। ये इतने सिक होते हैं कि ये चलने फिरने पे रैपिडली डिसैचुरेट होते हैं, तो वो डरते हैं कि चलेंगे तो जो है ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, इवन बात करने से भी डिसैचुरेशन होता है। तो ये पेशेंट बेसिकली खाली बेड बाउंड हो जाते हैं एक स्टेज पे आके, क्योंकि उनका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत हाई होता है। ऐसे पेशेंट्स को धीरे धीरे करके क्या होता है कि इनका न्यूट्रिशन पुअर होने लगता है, वेट लॉस होता है, मसल लॉस होता है, मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, और साथ में जो है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स दिन ब दिन बढ़ती रहती है। ज़्यादातर इस तरह के मरीज होते हैं वो 5 लीटर 10 लीटर 15 लीटर 20 लीटर ऑक्सीजन पे होते हैं, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत पुअर होती है, बहुत ही पुअर। तो ऐसे पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट के बाद ये लोग ऑक्सीजन से दूर हो जाते हैं, है ना, अपनी नॉर्मल लाइफ लीड करने लगते हैं, नॉर्मल न्यूट्रिशन गेन करते हैं, हेल्थ गेन करते हैं, बॉडी वेट इम्प्रूव होता है, और जो एक नॉर्मल आदमी जो है करता है वो ये मरीज़ जो है ऑपरेशन के बाद कर पाते हैं, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत सुधार होता है। तो लंग ट्रांसप्लांट इसीलिए जो है एक बहुत अच्छी मॉडलिटी है इन सब सिचुएशंस में। जी बिल्कुल। फिलहाल डॉक्टर स्पेशल में इतना ही, जुड़े रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।